मांझी भी यही कह रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी यही कह रहे हैं, चिराग सेफ मोड में चले गए हैं, वो क्या रहा है। ये दो स्थिति है। नीतीश कुमार सरप्राइज तो देने जा रहे हैं, ऐसा सरप्राइज जिसकी कल्पना कोई नहीं कर पा रहा है। लालू की कल्पना कर रहे होंगे कि सीएम पहुंच जाएंगे नहीं सर, बिना बताए थे ऐसा तो नहीं है। लालू यादव के यहाँ विदाई मांगने गए हैं। इधर इन लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा है कि भाई चल क्या रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक सरप्राइज जरूर मिले। तो नीतीश कुमार जो कर रहे हैं, ये व्यक्ति दो ही स्थिति में करता है। अगर अशोक चौधरी का माथा पकड़ के एक पत्रकार के माथा में टकरा रहे हैं और उस पे जब दूसरे दिन सवाल किया जा रहा है तो गले लगा के अरे हम इनसे बहुत कुछ तो जबरदस्त पकड़ा है सर। हाँ, उनके दिमाग में कुछ किसी को कुछ समझ नहीं दे रहे हैं, किसी को कुछ नहीं समझ में दे रहे हैं। समझ में तो कभी किसी को नहीं आया है। कभी किसी के आगे ऐसे झुक जाते हैं। जिस नीतीश कुमार ने कई नेताओं को ऐसे झुकाया है, वो नीतीश कुमार कई अपने छोटे नेताओं के सामने ऐसे। नीतीश कुमार के बारे में आकलन करना समझ से परे है, लेकिन इतना आकलन जरूर है कि नीतीश कुमार बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं। तो सभी लोग सरप्राइज हैं। लालू यादव, तेजस्वी यादव ये कहते नहीं थक रहे हैं दो तीन दिन से कि भैया देखिए हमारे गठबंधन में सब कुछ। एक बार नरेंद्र मोदी से मुलाकात क्या कर ली G20 की मीटिंग में और दोनों की हंसते हुए तस्वीरें क्या सामने आई। अमित शाह ने एक बार आके थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर क्या दिखलाया। उपेंद्र कुशवाहा कन्फ्यूजन में ऑफर देने लगे कि आ जाए, उन्हें ये भी लग रहा होगा ऐसा नहीं है आ जाए तो मेरा ही पत्ता कट जाए, ऑफर देने लगे। मांझी जी कह रहे हैं कि हाँ भाई वहाँ जब तक रहेंगे घुटन में रहेंगे आ जाए। चिराग पासवान भी थोड़ा सा ये हो गए, अटैकिंग मोड पे आ गए। तो चिराग पासवान तो नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं पॉलिटिकल। और बीजेपी अगर ये ख्याली पकाओ पका रही है तो मिठाई बांटेगी नीतीश कुमार उनके साथ। तो तेजस्वी यादव भी डिफेंसिव मोड में है, लगातार कह रहे हैं कि नहीं ऑल इज वेल। नीतीश कुमार में राजनीतिक संभावनाएं बहुत बची हुई हैं और इसलिए कोई भी गठबंधन उन्हें नहीं छोड़ना चाह रहा है। न इंडिया गठबंधन, न एनडीए गठबंधन। मैं कह रहा हूँ एनडीए गठबंधन में नहीं छोड़ना चाह रहा है। अगर आज नीतीश कुमार कह दे ओके मेरे तरफ से ग्रीन सिग्नल है तो ग्रीन सिग्नल है, मान लीजिए दरवाजा खुला हुआ है। क्योंकि अमित शाह तो कह दिए पिछली बार की मतलब स्टेटमेंट ही उन्होंने नहीं दिया ना कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद। इससे पहले आके तो कहते थे ना भी यार। बिल्कुल। कहाँ कहा इस बार तेल पानी वाली बात कह दी। तेल पानी की भाई आप पानी है, लालू जी तेल है, आप तेल के साथ रहिएगा तो पानी गंदा होगा। बड़ा का मतलब ये समझ लीजिए, ये नहीं कि वो एनडीए के तरफ ही, ये भी हो सकता है वो बिहार की कुर्सी तेजस्वी के लिए छोड़ दे और ये भी हो सकता है वो फिर से एक बार डिप्टी सीएम की कुर्सी से तेजस्वी को उतार कर मोदी के साथ हो ले। सीएम नीतीश कुमार कोई भी हरकत करे सियासी गलियारे में हलचल ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। सीएम नीतीश कुमार कुछ ऐसा कर ही देते हैं कि सियासी हलचल होना लाजमी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक और हमारे साथ हैं मौजूद हमारे एडिटर इन चीफ अमित झा। अमित सर से हम बात करेंगे कि नीतीश कुमार कहां ऐसा करने लगते हैं। आज अचानक से वो पहुंच गए अपने बख्तियारपुर स्थित पैतृक गांव, पैतृक घर में। किसी को बताया जा रहा है कि कानों कान खबर नहीं लगी सर। वो सीधे गए घर में, घुसे अपने भाई सतीश बाबू से मिले, कुछ देर तक ही अंदर रहे और उसके बाद बैरंग वापस लौट आए पटना। इस बात को लेकर के अभी चर्चा हो ही रही थी सर कि अब वो लालू यादव के आवास पर पहुंच गए। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव से मिलने के लिए जेडीयू कार्यालय भी गए। अब सियासत तो गर्म है ना, लोग तो हड़क जाते हैं ना कि नीतीश कुमार ऐसा करने क्यों लगते हैं। कहे कि जब ऐसा करने लगते हैं, आप ही कहते हैं कि सीएम नीतीश कुमार कुछ करते हैं तो दाएं हाथ की बात बाएं हाथ को नहीं पता चलता है। सीएम नीतीश कुमार नालंदा पहुंच जाते हैं, राजगीर पहुंच जाते हैं, कुछ ना कुछ होने लगता है। तबीयत खराब होती है तब भी कुछ ना कुछ होने लगता है। आज तो बहुत ही कुछ हो रहा है। कौशिक जी देखिए, नीतीश कुमार आजकल बदले बदले से नजर आ रहे हैं और सरप्राइज देने की उन्हें आदत हो गई है, सबको सरप्राइज दे। यही बदलाव तो डराता है सर लोगों को। एग्जैक्टली, सरप्राइज देने की आदत हो रही है। अब देखिए ना, कहाँ नहीं पहुंच रहे हैं नीतीश कुमार और किसको जानकारी हो रही है। नीतीश कुमार आजकल जो कर रहे हैं उसकी जानकारी, उसकी आहट किसको लग रही है। कभी अपने मंत्री दोस्त विजेंद्र यादव के यहाँ पहुंच जाते हैं बिना जानकारी के, क्या बात है। कभी विजय चौधरी के यहाँ पहुंच जाते हैं, अशोक चौधरी के यहाँ तो बराबर जाते हैं। कभी बख्तियारपुर आज पहुंच गए, प्रशासन को भी खबर नहीं भाई सीएम। हाँ सर, हड़कंप मच गया था। हड़कंप मच गया। अब लालू यादव तो बड़े भाई ठहरे, तो भाभी के हाथ
का नाश्ता चाय पीने के लिए चले गए होंगे। जेडीयू कार्यालय पहुंच जाते हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को खबर नहीं रहती। इससे पहले भी एक बार पहुंच गए थे, उसके बाद ललन सिंह जब भागे भागे आए तो कहे अरे हम तो ऐसे ही आ गए थे, हम देखे आपका ऑफिस थोड़ा देख ले। जबकि ललन बाबू बेहद करीबी माने जाते हैं, बेहद करीबी माने जाते हैं, आज भी गायब थे। तो नीतीश कुमार जो कर रहे हैं ये व्यक्ति दो ही स्थिति में करता है। एक स्थिति वो होती है कि वाकई जब एक उम्र आती है या एक ऐसा फेज आता है जब आदमी तनाव हो और रिलैक्स, अपने आप को रिलैक्स करना चाहता है कि चलो यार बहुत हुआ तामझाम, बहुत हमने जिंदगी के तामझाम झेल लिए, बहुत दिन सुख चैन से रह लिया, अब चलो यार दोस्त यार के साथ आराम करते हैं। कभी किसी दोस्त के यहाँ चले गए, कभी किसी पड़ोसी के यहाँ चले गए। हम ही आप देखिए ना कि जब बहुत तनाव में आते हैं तो क्या करते हैं, एक सुकून भरा पल खोजते हैं जहां पे कोई तामझाम ना हो, मित्रों के साथ, वैसे लोगों के साथ जिसके साथ हमारी बनती है, जो हमारी बातों को सुनेगा, जो हमारे फीलिंग्स को समझेगा। एक वो दौर होता है सरप्राइज देने वाला, और एक दौर सियासी सरप्राइज होता है। अब देखिए ना, अब नीतीश कुमार जैसे बड़े नेता अगर अशोक चौधरी का माथा पकड़ के एक पत्रकार के माथा में टकरा रहे हैं और उस पर जब दूसरे दिन सवाल किया जा रहा है तो गले लगा के अरे हम इनसे बहुत प्यार करते हैं, तो ये देखिए दो स्थिति है। मैं आपको बड़ा क्लियर बताता हूं, ये दो स्थिति है। नीतीश कुमार सरप्राइज तो देने जा रहे हैं, ऐसा सरप्राइज जिसकी कल्पना कोई नहीं कर पा रहा है। लालू जी कल्पना कर रहे होंगे कि सीएम पहुंच जाएंगे नहीं सर, बिना बताए हुए। ललन सिंह कल्पना कर रहे होंगे कि अचानक से जेडीयू कार्यालय पहुंच जाएंगे। चलिए बख्तियारपुर तो चलिए घर है उनका, कभी भी जा सकते हैं, लेकिन बिना प्रशासन के जानकारी के। जबकि नीतीश कुमार ऐसे नेता माने जाते रहे हैं जिनकी सुरक्षा हमेशा से करी रही है। भाई बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, बिल्कुल कहीं भी जाते हैं तो सुरक्षा, और एक दो बार सुरक्षा में सेंध हुई है उसके बाद तो और भी सुरक्षा कर्मी अलर्ट मोड पे हैं जो भी उनके। लेकिन बख्तियारपुर चले गए बिना किसी जानकारी के। तो ऐसे में देखिए, एक स्थिति तो मैंने वो बताई, और दूसरी स्थिति की वो वाकई राजनीतिक तौर पर सरप्राइज करने वाले हों सबको, जिसका आभास किसी को नहीं हो रहा हो, चर्चाएं जरूर हो रही हैं। चर्चाएं हैं ना सर कि सीएम कुमार पीएम कुमार बनने के चक्कर में लग गए हैं क्या? नहीं, पीएम कुमार तो नहीं बनेंगे, पीएम कुमार नहीं बनेंगे, इसलिए नहीं बनेंगे, कुछ तो जबरदस्त पकड़ा है सर। हाँ, उनके दिमाग में, अब भैया नीतीश कुमार हैं, वो नीतीश कुमार है। मैं बार बार कह रहा हूं कि नीतीश कुमार पे अगर कोई पत्रकार ये कहता है ना कि नीतीश कुमार ये करने जा रहे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, तो समझिए कि फेंक रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार के अलावा किसको पता होता है नीतीश कुमार क्या करने जा रहे हैं भाई। और इधर तो बहुत कुछ करने लगे हैं ना सर, इधर बहुत कुछ करने लगे हैं, अलग अलग हरकत जब भी करते हैं सीएम नीतीश कुमार लोग हमेशा हड़बड़ी में आ जाते हैं। अब विरोधी दल वाले तो बेचैन हो ही जाते हैं ना। अब बेचैन नहीं है, अब बताइए एक बार नरेंद्र मोदी से मुलाकात क्या कर ली G20 की मीटिंग में, और दोनों की हंसते हुए तस्वीरें क्या सामने आई। अमित शाह ने एक बार आके थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर क्या दिखलाया, उपेंद्र कुशवाहा कंफ्यूजन में ऑफर देने लगे कि आ जाए, उन्हें ये भी लग रहा होगा ऐसा नहीं है आ जाए तो मेरा ही पत्ता कट जाए, ऑफर देने लगे। मांझी जी कह रहे हैं कि हाँ भाई वहां जब तक रहेंगे घुटन में रहेंगे आ जाए। चिराग पासवान भी थोड़ा सा ये हो गए, अटैकिंग मोड पे आ गए, क्योंकि चिराग पासवान तो नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं पॉलिटिकल, बिल्कुल, क्योंकि उनकी राजनीति ही नीतीश विरोध में शुरू हुई है। आफ्टर रामविलास पासवान, चिराग पासवान ने जो राजनीति शुरू की वो नीतीश विरोध में शुरू की, तो सभी लोग सरप्राइज है। लालू यादव, तेजस्वी यादव ये कहते नहीं थक रहे हैं दो तीन दिन से कि भैया देखिए हमारे गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ना सीट शेयरिंग को लेकर कंफ्यूजन है, ना किसी चीज को लेकर कंफ्यूजन है। अब बीजेपी अगर ये ख्याली पकाओ पका रही है तो मिठाई बांटे कि नीतीश कुमार उनके साथ जा रहे हैं, तो तेजस्वी यादव भी डिफेंसिव मोड में है, लगातार कह रहे हैं कि नहीं ऑल इज वेल। तो ऐसा तो नहीं है कि लालू यादव के यहाँ विदाई मांगने गए हैं। इधर इन लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा है कि भाई चल क्या रहा है। नरेंद्र मोदी के साथ हंसती हुई तस्वीर, ललन सिंह उधर अटैकिंग मोड पे है बीजेपी के खिलाफ,
इधर तस्वीर सामने आती है, अमित शाह आते हैं, पहली बार ये नहीं बोलते हैं कि नीतीश के लिए एंट्री बंद, तेल पानी का उदाहरण भी देके चले जाते हैं। बिल्कुल। तो तमाम लोग कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर ये क्या सरप्राइज देने जा रहे हैं। वाकई वो सरप्राइज जो जनरल मैंने कहा कि भाई जब एक व्यक्ति सुकून खोजता है, और नीतीश कुमार नो डाउट अब उम्रदराज हो गए हैं, लंबा उन्होंने राजनीतिक सफर तय किया है और इतना काम किया है बिहार के लिए, और बिहार और देश की राजनीति में इतने बड़े नेता हैं कि हो सकता है कि कभी कभार सुकून भरे पल खोजने चले जाते हों अपने मित्रों के या साथी मित्रों के यहाँ, कभी लालू जी के यहाँ राबड़ी जी के हाथों का चाय पीने के लिए, कभी विजेंद्र यादव के यहाँ, कभी विजय चौधरी के यहाँ, अशोक चौधरी के यहाँ। तो मैंने कहा कि भाई दुलरुआ है, नो डाउट दुलरुआ है, उनके दो तीन दुलरुआ में से एक दुलरुआ अशोक चौधरी भी है, जैसे संजय झा हो गए, ललन सिंह हो गए, अशोक चौधरी हो गए। तो अशोक चौधरी तो उनके यहाँ बराबर जाते हैं, और अशोक चौधरी इन्वाइट भी करते रहते हैं, तो नाश्ता के लिए चले जाते हैं। तो एक वो वाला सरप्राइज है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक सरप्राइज जरूर मिलेगा। इसको विरक्ति तो नहीं कह सकते हैं सर कि राजनीति से विरक्त हो रहे हैं, क्योंकि इंडिया महागठबंधन का इतना बड़ा खाका इन्होंने तैयार किया, और उस गठबंधन का खाका तैयार करने के लिए इन्हीं को माना जाता है। कौशिक जी देखिए, नीतीश कुमार के अंदर अभी भी राजनीतिक संभावनाएं बहुत जिंदा है, और नहीं रहती तो नीतीश कुमार चर्चा में नहीं रहते, और इतनी बड़ी रणनीति तैयार किए रहते हैं ना सर इंडिया महागठबंधन। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, शुरुआत तो इन्होंने किया। कि अगर नीतीश कुमार राजनीतिक, आप ये कहिए कि जो कहते हैं कि कई विरोधी के राजनीतिक संन्यास ले लेना चाहिए, तो अगर उस मोड में जाते हैं तो नीतीश पे चर्चा ही खत्म हो जाती है। नीतीश कुमार की हम और आप चर्चा नहीं कर रहे होते, ना पक्ष चर्चा कर रहा होता, ना विपक्ष चर्चा कर रहा होता, ना वो मोदी के लिए प्रासंगिक होते कि G20 की बैठक में उन्हें डिनर के लिए इनवाइट किया जाता, और अमित शाह आते तो अमित शाह के लिए प्रासंगिक नहीं होते। नीतीश कुमार में राजनीतिक संभावनाएं बहुत बची हुई हैं, और इसलिए कोई भी गठबंधन उन्हें नहीं छोड़ना चाह रहा है, ना इंडिया गठबंधन, ना एनडीए गठबंधन। मैं कह रहा हूं एनडीए गठबंधन में नहीं छोड़ना चाह रहा है। अगर आज नीतीश कुमार कह दे ओके मेरे तरफ से ग्रीन सिग्नल है, तो ग्रीन सिग्नल है, मान लीजिए दरवाजा खुला हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है, क्योंकि अमित शाह तो कह दिए पिछली बार की मतलब स्टेटमेंट ही उन्होंने नहीं दिया ना कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद, इससे पहले आके तो कहते थे ना बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल। कहां कहा इस बार? इस बार कुछ नहीं बोले, वो तेल पानी वाली बात कह दी, तेल पानी की, भाई आप पानी है, लालू जी तेल है, आप तेल के साथ रहिएगा तो पानी गंदा होगा, यानी उनका साथ छोड़िए, उनका साथ छोड़िए। मांझी भी यही कह रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी यही कह रहे हैं, चिराग सेव मोड में चले गए हैं कि हो क्या रहा है। लेकिन अभी जिस तरीके से ये आसन करने लग रहे हैं अचानक अलग अलग तरीके का, तो बेचैनी तो बढ़ रही है सर ना? हाँ, बेचैनी ये सबके दिल में। बाकी एक होता है कि भाई चलिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ में आता है कि नीतीश कुमार की राजनीति किस दिशा में जा रही है, ये कुछ किसी को कुछ समझने ही नहीं दे रहे हैं, किसी को कुछ नहीं समझ में दे समझ में तो कभी किसी को नहीं आया है। कभी किसी के आगे ऐसे झुक जाते हैं जिस नीतीश कुमार ने कई नेताओं को ऐसे झुकाया है, वो नीतीश कुमार कई अपने छोटे नेताओं के सामने ऐसे अशोक चौधरी के सीने से ऐसे सर रख करके जो तस्वीर सामने आई थी सर, अरे आप याद कीजिए ना जेडीयू कार्यालय में जब ललन सिंह के आगे ऐसे झुकने लगे थे तो ललन सिंह ने हाथ पकड़ लिया था, याद है वो? इतनी विनम्रता क्यों? तो ये समझ के परे है ये मतलब मैं वही कह रहा हूं, नीतीश कुमार के बारे में आकलन करना समझ से परे है, लेकिन इतना आकलन जरूर है कि नीतीश कुमार बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं। अब वो सरप्राइज क्या होगा, वो किस तरह से हैरान करेगा आरजेडी को, बीजेपी को, चिराग पासवान को, उसके लिए तैयार रहिए। मैं कह रहा हूं तैयार ही करनी है। हाँ, इंतजार ही करना है, वो तो मैं कह रहा हूं कि आप इंतजार कीजिए, कयास लगाइए, कयास किस करवट बैठेगा वो नीतीश कुमार जानते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की जो भी एक्टिविटी है वो ईश्वर इशारा जरूर कर रही है कि बिहार और देश की राजनीति को नीतीश कुमार बहुत जल्द बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं, कुछ बड़ा हवा देने वाले, बड़ा बदलाव करने वाले हैं, कुछ बड़ा होने वाला है। तो सीएम नीतीश कुमार आज जो जो हरकत कर रहे हैं वो लोगों की बेचैनी बढ़ा रही है, सियासी गलियारे में तमाम तरह की चर्चाएं हो रही है। एक चीज और, मैं ये बड़ा का मतलब ये समझ लीजिए, ये नहीं कि वो एनडीए के तरफ ही जाए, ये भी हो सकता है वो बिहार की कुर्सी तेजस्वी के लिए छोड़ दे, और ये भी हो सकता है वो फिर से एक बार डिप्टी सीएम की कुर्सी से तेजस्वी को उतार कर मोदी के साथ हो लें। लेकिन जो इन दोनों में से जो भी कुछ होगा, होगा एक जरूर, और यही बड़ा सरप्राइज होगा।
तो अमित सर ने क्लियर कर ही दिया कि क्या कुछ हो सकता है, संभावनाएं बहुत कुछ है भाई। नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार का दायां हाथ जो हरकत करता है बायां को नहीं पता चलता है, और आज तो अलग अलग आसन में दिख रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार अचानक से अपने पैतृक गांव पहुंच जा रहे हैं, किसी को भनक तक नहीं लगती है, उनके साथ वालों को भनक नहीं लगती है, उनके घर वालों को भनक नहीं लगती है, और स्थानीय प्रशासन को भनक नहीं लगती है। घर में सीधे सीधे जाते हैं, निकल करके थोड़ी देर में अपने भाई से मिल करके चले आते हैं, पटना जाते हैं, लालू यादव के आवास पर पहुंच जाते हैं, जेडीयू कार्यालय चले जाते हैं। ये तमाम कुछ जो कर रहे हैं सीएम नीतीश कुमार, ये बहुत ही काफी है विरोधी दल की बेचैनी को बढ़ाने के लिए, सियासी गलियारे में बेचैनी हलचल को कायम करने के लिए। तो इंतजार करते हैं कि क्या कुछ आगे होने वाला है, सीएम नीतीश कुमार के अंदर खाने में क्या पक रहा है, क्या विस्फोट करने वाले हैं। तो बने रहिए देशवान न्यूज के साथ, धन्यवाद।